सकते हैं इसको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गेट रेडी विद मी की, तो जल्दी से कर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जैसमिन व्लॉग, आई होप यू फाइन। यहाँ पर मैं अच्छे, आप सब भी अच्छे होंगे। तो व्लॉग मैं यहाँ से लेट चालू कर रही हूँ, मैं 6:10 हो रहे हैं, तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, बिकॉज आज मेरी ननद की बेटी का बर्थडे है, अलवीना का। तो बहुत से लोगों को पता भी होगा जो व्लॉग देख रहे हैं उसमें, तो यहाँ से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली नहीं है टाइम है, और जिस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर भेज देती हूँ, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। निकाले तो पैक कर दे सबको, पैक कर दे बैग को, हाथों हाथी पैक कर दे। तो यह मेरा यहाँ पर जम चुका है मेकअप का पिटारा, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं ना अपना फेस वॉश करने जा रही हूँ, फिर टोनर और फिर मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, तो पहले मैं करके आ जाती हूँ जल्दी से। तो फेस वॉश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिनजर है या सेटाफिल का, तो जल्दी से ये यूज़ कर लेते हैं, जल्दी से धो के आ जाती हूँ। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर टोनर, और ये टोनर की बोतल एम्पिट है, और मैंने इसके अंदर लोरियल पेरिस का भर रखा है, अभी तो मैंने अंदर रख रखा है, तो वो भर रखा मैंने इसके अंदर माइक्रो एसेंस वाला, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं फिस फिस। बस और ये सूख जाएगा, फिर उसके बाद में लगाते ही। तो अब मेरा टोनर सूख चुका है, तो अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर, तो जल्दी से लगा लेते हैं इसको भी। तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में अब मैं लगा रही हूँ NYBA का स्ट्रोब क्रीम, तो पहले इसको लगा लेते हैं डॉट डॉट करके। तो मैं अब लगा रही हूँ फाउंडेशन, फाउंडेशन में अप्लाई करूँ मेलानी का, और ये SD फाउंडेशन है, इसमें कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं थोड़ा बहुत कंसीलर लगा लूँ क्योंकि थोड़े बहुत मेरे डार्क सर्कल पड़ रहे हैं, तो दैट्स वाई। और वहाँ पर पार्टी है तो फाउंडेशन तो लगाना बनता ही है, तो चलिए इसे इसको लगा लेते। तो अब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है मैंने डॉट डॉट करके, और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि इसमें कोई कंसीलर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी कंसीलर की इसके अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, अगर आप ड्राई स्किन वालों के लिए लेना चाहते हैं तो। तो जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गेट रेडी विद मी की, तो जल्दी से कर लेते। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर, आप कोई सब यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फेसिस कैनेडा का ले रही हूँ क्योंकि मैं करंटली यही यूज़ कर रही हूँ, तो इसको सेट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अब मैं आईब्रो को फिल करने के लिए ले रही हूँ ब्लू हेवन का स्केच लाइनर ब्राउन का, क्योंकि मुझे ब्राउन ही सूट होता है, तो डेट फाइव, तो इसको भी जल्दी से फिल ले। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ग्लिटर, और ये चमकी ग्लिटर नहीं है, बिल्कुल ही स्मूथ वाले, बिल्कुल शाइनिंग वाले ग्लिटर, आईज़ पे चमके गए ओनली, तो बस ये आई शेडो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ अपनी लिड पे ओनली, तो जल्दी से लगा लेते हैं इसका। तो लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर LE18 का, तो ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता दूँ आपको पहले ही, मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि। तो यहाँ पर मेरा लाइनर हो चुका है एकदम डन, आप देखो कितना अच्छा लगा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और अब लगा लेते हैं मस्करा, और अभी तो पूरा मेकअप कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो मस्करा लगा लेते हैं जी। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ व्हाइट काजल, और सब पूछते मुझसे कि व्हाइट काजल आप कौन सी कंपनी का यूज़ करती हो, कौन सी ब्रांड का यूज़ करती हो, तो मैं आपको बता दूँ ये NYBA का है, काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा पसंद आया, मैंने इतने लिए बट मुझे पसंद नहीं आया, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो अब मैं ब्लशर अप्लाई करने जा रही हूँ, ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स का, और ये है ना जो मेरा बेका का है ना हाइलाइटर टूट गया है, तो उसमें हो चुका है ये सारा, बट कोई बात नहीं, और इसके जो अंदर है बहुत ही अच्छा शेड है, मुझे बहुत ही अच्छा शेड लग, तो जो इसका शेड है ना ये तो बहुत ही प्रिटी शेड है, तो इसको लगा लेती हूँ मैं, देखो कितना अच्छा शेड है ना इसका, और ऐसा शेड मुझे है ना ढूंढना जाती ना मिलता ही नहीं है, बट मैंने ये मेरी सिस्टर से लिया था तो अभी तक भी चल रहा है, और ये ओरिजिनल है ना कि फेक, और थोड़ा सा नोज पे भी लगा लेती हूँ मैं, ब्लशर तो अच्छा लगता है। तो बस अब मेरे को सेटिंग स्प्रे लगाना है, मेरा मेकअप हो चुका है एकदम कंप्लीट, और एक लिपस्टिक का लगाना है, लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ ये वाली भी, ये भी मैंने अपनी सिस्टर से ली थी, तो उसको अप्लाई कर लेती हूँ, फिर फाइनल लुक आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने अपना हैंडबैग ले लिया है, तो चलते हैं पार्टी में, लेट्स गो। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ।
केक कटिंग करवानी है क्या आपको? इधर इधर तो आओ, इधर तो आओ। बताओ ना, आप क्या बोल रही थी अलविना, आप को क्या करोगी विश, कैसे कर? मैं नहीं जाऊंगी अब बाहर, बस एक बार आ गई ना मैं। नहीं घर पे आ चुकी हूँ, और मैं क्योंकि मैं घूमने चल गई थी और होटल पे खाना खाने चल गई थी तो मुझे लेट हो गया, और मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं करी, मैं भूल गई मस्ती के चक्कर में। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और है ना, वहाँ बर्थडे का मैं कुछ भी व्लॉग नहीं ले पाई, जो थोड़ा बहुत था वो ले लिया मैंने, क्योंकि वहाँ से मैं बाहर चल गई थी खाने पीने, तो इस वजह से। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दो मिनट जरूर याद रखना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।